मेरे परिवारजनों, जब संकट आता है किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है। आप देखिए, कोरोना के रूप में 100 साल का सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया, लेकिन उस संकट काल में कांग्रेस ने क्या किया? उस समय कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने में जुटी थी। राजस्थान सहित पूरे देश के अनेक लोग विदेशों में फंसे थे। हम पूरी दुनिया से एक एक भारतीय को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका भी विरोध किया। जब टीके की बारी आई तो कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी टीकों के लिए मुहिम चलाई, टीके बाहर से लाओ, बाहर से खरीदो, कितना ही महंगा हो, कितनी ही शर्तें हो, बस बाहर से लाओ। मैं तो अब तक समझ नहीं पाया हूं कांग्रेस को विदेश से ये इशारे करने वाला कौन था। भारत ने बहुत परिश्रम करके वैक्सीन तो बनाया, कम से कम समय में मेड इन इंडिया वैक्सीन टीके तैयार किए। जब टीके तैयार हो गए, दुनिया में मान्यता मिल गई, तब कांग्रेस के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू किया कि ये तो मोदी के टीके हैं, ये भाजपा के टीके हैं। कांग्रेस भारत के टीकाकरण अभियान को फेल करने में जुटी थी ताकि यहां हाहाकार मचे और मोदी को उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो जाए। क्या इतनी ओछी राजनीति करोगे? लोगों को मरने के लिए मजबूर करोगे इसलिए कि आपकी राजनीति चले? लेकिन राजस्थान के आप सभी के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की साजिश को नाकाम कर दिया, देश भर में नाकाम कर दिया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे सफल टीकाकरण अभियान चलाया। आपको टीका लगा था कि नहीं लगा था? वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? मुफ्त में लगा कि नहीं लगा? मुसीबत के उन दिन में मोदी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? घर घर जाकर के लगवाया कि नहीं लगवाया? दुनिया के अनेक समृद्ध देश आज भी कोरोना के कारण पैदा हुआ संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत इस संकट से भी निकला और दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत भी बन गया। मेरा परिवारजनों, कोरोना काल इतना भयंकर था, मौत मंडरा रहा था, मुसीबत इतनी गंभीर थी कि मां बीमार हो तो बेटा वहां ना जा सकता नहीं था, कमरे में नहीं जा सकता था, बेटा बीमार हो तो उसकी प्यारी बच्ची भी उसके पास नहीं जा सकती थी कहीं उसको कोरोना लग जाए। हर किसी को डर था कहीं कोरोना घर में घुस न जाए और कहीं यमराज की सवारी आ न जाए, परिवार को कोई नुकसान न हो जाए। बाहर भी दुनिया ठप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर बहुत बड़ा संकट आया था और उस समय ये आपका बेटा, दिन रात आपकी चिंता करता था। और तब मैंने तय किया था, कुछ भी हो जाए, मुसीबत भयंकर है, 100 साल में ऐसी मुसीबत नहीं आई है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने ऐसा कुछ देखा हो। और तब मैंने फैसला कर लिया, किसी भी परिवार का बच्चा भूखा नहीं सोएगा,
कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां चूल्हा न जले, और इसलिए ये आपके बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए और परिवारों को मुफ्त राशन दिया। ये मुफ्त राशन का ये मोदी का गारंटी कार्ड बना था। मुझे भाई बहन बताइए, ये पवित्र काम था कि नहीं था? भूखे को रोटी खिलाना ये पवित्रता है कि नहीं है? प्यासे को पानी पिलाना ये पवित्र काम है कि नहीं है? मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये पुण्य का काम है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए, पुण्य का काम है कि नहीं है? ये पुण्य किसको मिला? ये पुण्य किसको मिला? ये पुण्य किसको मिला? ये गरीबों को इतना अन्न खिलाया, पुण्य किसको मिला? मोदी को नहीं मिला है, ये पुण्य आपको मिला है, क्योंकि आपने एक वोट देकर मोदी को बिठाया है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त में अनाज प्राप्त कर रहे हैं और उनकी थाली गरम थाली में भोजन कर पा रहे हैं। इसका पुण्य आपका है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। मोदी को तो आपने एक वोट देकर के निमित्त बनाया है, पुण्य आपका है। आपके वोट की ताकत देखिए, और इसीलिए मोदी ने मन बना लिया है, संकल्प किया है, क्योंकि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है। लेकिन मैं तो आप ही लोगों से बीच से निकला हूं, इसलिए मेरा मन कहता है मैं दिसंबर में इसको बंद नहीं होने दूंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा। आयुष्मान भारत कार्ड आपकी जेब में, पूरे देश में कहीं भी कभी भी मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है जो मोदी ने दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, गंभीर से गंभीर बीमारी वहां कुछ लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल पूछेगा नहीं पैसे है कि नहीं, सर मोदी का गारंटी कार्ड देखेगा, आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। गरीब को पक्का घर, बिजली गैस कनेक्शन, नल और नल में जल, ये सारी गारंटियां मोदी निरंतर पूरी करता रहता है। और मैं आपको भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अभी भी जो बच गए होंगे, जिनके पास कच्चा घर होगा, गरीब परिवार होगा, उनको जाकर के बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार में काम धीमा होने के कारण तुम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अब भाजपा सरकार आने वाली है और मोदी की गारंटी है वो काम भी पूरा कर दिया जाएगा। जिसको भी जानते हो, ये मेरी गारंटी, आपको मैं गारंटी देता हूं, बता देना, ये उसको हो जाएगा काम, मैं तय करके बैठा हूं कि मुझे करना है। कोई गरीब किसी योजना से छूटेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है।